कोहरे की वजह से खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ गए थे। गाड़ी 40 की रफ्तार से सुनसान अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। खिड़की से सिर सटाकर भी बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था। कभी किसी पेड़ की हल्की गहरी रेखा ही गुजरती नजर आ जाती तो कुछ देख लेने का संतोष होता। मन को उलझाए रखने के लिए इतना ही काफी था। आंखों में जरा नींद नहीं थी। गाड़ी को जाने कितनी देर बाद कहीं जाकर रुकना था। जब और कुछ दिखाई न देता तो अपना प्रतिबिंब तो कम से कम देखा ही जा सकता था। अपने प्रतिबिंब के अलावा और भी कई प्रतिबिंब थे। ऊपर की बर्थ पर सोए व्यक्ति का प्रतिबिंब अजब बेबसी के साथ हिल रहा था। सामने की बर्थ पर बैठी स्त्री का प्रतिबिंब बहुत उदास था। उसकी भारी पलकें पल भर के लिए ऊपर उठती, फिर झुक जाती। आकृतियों के अलावा कई बार नई नई आवाजें ध्यान बटा देती, जिनसे पता चलता कि गाड़ी पुल पर से जा रही है या मकानों की कतार के पास से गुजर रही है। बीच में सहसा इंजन की चीख सुनाई दे जाती, जिससे अंधेरा और एकांत और गहरे महसूस होने लगते। मैंने घड़ी में वक्त देखा, 11:15 बजे थे। सामने बैठी स्त्री की आंखें बहुत सुनसान थी। बीच बीच में उनमें एक लहर सी उठती और विलीन हो जाती। वो जैसे आंखों से देख नहीं रही थी, सोच रही थी। उसकी बच्ची, जिसे भर के कंबलों में लपेटकर सुलाया गया था, जरा जरा गुनगुनाने लगी। उसकी गुलाबी टोपी सिर से उतर गई थी। उसने दो एक बार पैर पटके अपनी बंधी हुई मुट्ठियां ऊपर उठाई और रोने लगी। स्त्री की सुनसान आंखें सहसा उमड़ आई। उसने बच्ची के सिर पर टोपी ठीक कर दी और उसे कंबलों समेत उठाकर छाती से लगा लिया। मगर इससे बच्ची का रोना बंद नहीं हुआ। उसने उसे हिलाकर और दुलारकर चुप कराना चाहा, मगर वो फिर भी रोती रही। इस पर उसने कंबल थोड़ा हटाकर बच्ची के मुंह में दूध दे दिया और उसे अच्छी तरह अपने साथ सटा लिया। मैं फिर खिड़की से सिर सटाकर बाहर देखने लगा। दूर बत्तियों की एक कतार नजर आ रही थी। शायद कोई आबादी थी या सिर्फ सड़क ही थी। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और इंजन बहुत पास होने से कोहरे के साथ धुआं भी खिड़की के शीशों पर जमता जा रहा था। आबादी या सड़क, जो भी वो थी, अब धीरे धीरे पीछे जा रही थी। शीशे में दिखाई देते प्रतिबिंब पहले से गहरे हो गए थे। स्त्री की आंखें मूंद गई थी और ऊपर लेटे व्यक्ति की बांह जोर जोर से हिल रही थी। शीशे पर मेरी सांस के फैलने से प्रतिबिंब और धुंधले हो गए थे, यहां तक कि धीरे धीरे सब प्रतिबिंब अदृश्य हो गए। मैंने तब जेब से रुमाल निकालकर शीशे को अच्छी तरह पोंछ दिया। स्त्री ने आंखें खोल ली थी और एकटक सामने देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी रेखा फैली थी, जो ठीक मुस्कुराहट नहीं थी। मुस्कुराहट ने बहुत कम व्यक्त, उस रेखा में कहीं गंभीरता भी थी और अवसाद भी।
जैसे वो अनायास उभर आई किसी स्मृति की रेखा थी। उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न पड़ गई थी। बच्ची जल्दी ही दूध से हट गई। उसने सिर उठाकर अपना बिना दांत का मुंह खोल दिया और किलकारी भरती हुई मां की छाती पर मुट्ठियों से चोट करने लगी। दूसरी तरफ से आती एक गाड़ी तेज रफ्तार में पास से गुजरी तो वो जरा सहम गई, मगर गाड़ी के निकलते ही और भी मुंह खोलकर किलकारी भरने लगी। बच्ची का चेहरा गदराया हुआ था और उसकी टोपी के नीचे से भूरे रंग के हल्के हल्के बाल नजर आ रहे थे। उसकी नाक जरा छोटी थी पर आंखें माँ की ही तरह गहरी और फैली हुई थी। माँ के गाल और कपड़े नोचकर उसकी आंखें मेरी तरफ घूम गई और वो बाहें हवा में पटकती हुई मुझे अपनी किलकारियों का निशाना बनाने लगी। स्त्री की पलकें उठी और उसकी उदास आंखें क्षण भर मेरी आंखों से मिली रही। मुझे उस क्षण भर के लिए लगा कि मैं एक ऐसे क्षितिज को देख रहा हूं जिसमें गहरी सांझ के सभी हल्के गहरे रंग झिलमिला रहे हैं और जिसका दृश्य पट क्षण के हर सौवे हिस्से में बदलता जा रहा है। बच्ची मेरी तरफ देखकर बहुत हाथ पटक रही थी, इसलिए मैंने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, आ बेटे। मेरे हाथ पास आ जाने से बच्ची के हाथों का हिलना बंद हो गया और उसके होंठ रुआसे हो गए। स्त्री ने बच्ची को अपने होठों से छुआ और कहा, जा बिट्टू, जाएगी उनके पास। लेकिन बिट्टू के होठ और रुआसे हो गए और वो माँ के साथ सट गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, गैर आदमी से डरती है, और हाथ हटा लिए। स्त्री के होठ भीज गए और माथे की खाल में थोड़ा खिंचाव आ गया। उसकी आंखें जैसे अतीत में चली गई, फिर सहसा वहां से लौट आई और वो बोली, नहीं, डरती नहीं, इसे दरअसल आदत नहीं है। ये आज तक या तो मेरे हाथों में रही है या नौकरानी के। और वो उसके सिर पर झुक गई। बच्ची उसके साथ सटकर आंखें झपकने लगी। महिला उसे हिलाती हुई थपकियां देने लगी। बच्ची ने आंखें मूंद ली। महिला उसकी तरफ देखती हुई जैसे चूमने के लिए होठ बढ़ाए उसे थपकियां देती रही। फिर एकाएक उसने झुककर उसे चूम लिया। बहुत अच्छी है हमारी बिट्टू, झट से सो जाती है, ये उसने जैसे अपने से कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उदास सा उत्साह भर रहा था। मैंने पूछा, कितनी बड़ी है ये बच्ची? वो बोली, 10 दिन बाद पूरे 4 महीने की हो जाएगी, पर देखने में अभी उससे छोटी लगती है, नहीं? मैंने आंखों से उसकी बात का समर्थन किया। उसके चेहरे में एक अपनी ही सहजता थी, विश्वास और सादगी की। मैंने सोई हुई बच्ची के गाल को जरा सा सहला दिया। स्त्री का चेहरा और भावपूर्ण हो गया। वो बोली, लगता है आपको बच्चों से बहुत प्यार है, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी आंखें उसके चेहरे से हट गई
बिजली की बत्ती के पास एक कीड़ा उड़ रहा था। मेरे, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तो कोई नहीं है, मगर मतलब ब्याह हुआ है, अभी बच्चे अच्छे नहीं हुए। आप मर्द लोग तो बच्चों से बचे ही रहना चाहते हैं ना। मैंने होठ सिकोड़ लिए और कहा, नहीं ये बात नहीं। वो बोली, हमारे ये तो बच्चे को छूते भी नहीं, कभी 2 मिनट के लिए भी उठाना पड़ जाए तो झल्लाने लगते हैं। अब तो खैर वे इस मुसीबत से छूटकर बाहर ही चले गए हैं। और सहसा उसकी आंखें छलछला आई, रुलाई की वजह से उसके होठ बिल्कुल उस बच्ची जैसे हो गए थे। फिर सहसा उसके होठों पर मुस्कुराहट लौट आई, जैसा अक्सर सोए हुए बच्चों के साथ होता है। उसने आंखें झपक कर अपने को सहेज लिया और बोली, वे डॉक्टरेट के लिए इंग्लैंड गए हैं, मैं उन्हें बंबई के जहाज पर चढ़ाकर आ रही हूं। वैसे 6-8 महीने की बात है, फिर मैं भी उनके पास चली जाऊंगी। फिर उसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे उसे शिकायत हो कि मैंने उसकी इतनी व्यक्तिगत बात उससे क्यों जान ली। मैंने पूछा, आप बाद में अकेली जाएंगी? इससे तो आप अभी साथ चली जाती। उसके होठ सिकुड़ गए और आंखें फिर अंतर्मुख हो गई। वो कई पल अपने में डूबी रही और उसी भाव से बोली, साथ तो नहीं जा सकती थी क्योंकि अकेले उनके जाने की भी सुविधा नहीं थी, लेकिन उनको मैंने किसी तरह भेज दिया है। चाहती थी कि उनकी कोई तो चाह मुझसे पूरी हो जाए। दीशी की बाहर जाने की बहुत इच्छा थी। अब 6-8 महीने मैं अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाऊंगी और थोड़ा बहुत कहीं से उधार लेकर अपने जाने का इंतजाम करूंगी। उसने सोच में डूबती उतराती अपनी आंखों को सहसा सचेत कर लिया और फिर कुछ क्षण शिकायत की नजर से मुझे देखती रही। फिर बोली, अभी बिट्टू भी बहुत छोटी है ना, 6-8 महीने में ये बड़ी हो जाएगी और मैं भी तब तक थोड़ा और पढ़ लूंगी। दीशी की बहुत इच्छा है कि मैं एमए कर लूं, मगर मैं ऐसी जड़ और नाकारा हूं कि उनकी कोई भी चाह पूरी नहीं कर पाती। इसीलिए इस बार उन्हें बेचने के लिए मैंने अपने सब गहने बेच दिए हैं। अब मेरे पास बस मेरी बिट्टू है और कुछ नहीं। और वो बच्ची के सिर पर हाथ फेरती हुई भरी भरी नजर से उसे देखती रही। बाहर वही सुनसान अंधेरा था, वही लगातार सुनाई देती इंजन की आवाजें। शीशे से आंख गड़ा लेने पर भी दूर तक वीरानगी ही वीरानगी नजर आती थी, मगर उस स्त्री की आंखों में जैसे दुनिया भर की वत्सलता सिमट आई थी। वो फिर कई क्षण अपने में डूबी रही, फिर उसने एक सांस ली और बच्ची को अच्छी तरह कंबलों में लपेट कर सीट पर लेटा दिया। ऊपर की बर्थ पर लेटा हुआ आदमी खर्राटे भर रहा था। एक बार करवट बदलते हुए वो नीचे गिरने को हुआ, पर सहसा हड़बड़ाकर संभल गया। वो स्त्री बोली, लोगों को जाने सफर में कैसे इतनी गहरी नींद आ जाती है? मुझे 2-2 रातें सफर करना हो तो भी मैं एक पल नहीं सो पाती। अपनी अपनी आदत होती है। मैंने कहा, हाँ आदत की ही बात है। कुछ लोग बहुत निश्चिंत होकर जीते हैं और कुछ होते हैं कि बगैर चिंता के जी ही नहीं सकते। और वो हंसती,
उसकी हंसी का स्वर भी बच्चों जैसा ही था। उसके दांत बहुत छोटे छोटे और चमकीले थे। मैंने भी उसकी हंसी में साथ दिया। वो बोली, मेरी बहुत खराब आदत है, मैं बात बेबात के सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। ये मुझसे कहते हैं कि मुझे लोगों से मिलना जुलना चाहिए, खुलकर हंसना, बात करना चाहिए, मगर इनके सामने मैं ऐसे गुमसुम हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। वैसे और लोगों से भी मैं ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन इनके सामने तो चुप्पी ऐसी छा जाती है जैसे मुंह में जबान हो ही नहीं। अब देखिए ना, इस वक्त कैसे लतर लतर बात कर रही हूँ। और वो मुस्कुराई, उसके चेहरे पर हल्की सी संकोच की रेखा आ गई। मैंने कहा, रास्ता काटने के लिए बात करना जरूरी हो जाता है, खास तौर से जब नींद ना आ रही हो। उसकी आंखें पल भर फैली रही, फिर वो गर्दन जरा झुकाकर बोली, ये कहते हैं कि जिसके मुंह में जबान ही ना हो उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे काटी जा सकती है। ऐसे इंसान में और एक पालतू जानवर में क्या फर्क है। मैं हजार चाहती हूं कि इन्हें खुश दिखाई दूं और इनके सामने कोई ना कोई बात करती रहूं, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। इन्हें मेरा रोना बहुत बुरा लगता है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक आए, जिन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्ले से पोंछ लिया। वो फिर बोली, मैं बहुत पागल हूं, ये जितना मुझे टोकते हैं मैं उतना ही ज्यादा रोती हूं। दरअसल ये मुझे समझ नहीं पाते, मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता, फिर जाने क्यों ये मुझे बात करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर माथे को हाथ से दबाए हुए बोली, आप भी अपनी पत्नी से जबरदस्ती बात करने के लिए कहते हैं। मैंने पीछे टेक लगाकर कंधे से कोड़ लिए और हाथ बगलों में दबाए बत्ती के पास उड़ते कीड़े को देखने लगा। फिर सिर को जरा सा झटका कर मैंने उसकी तरफ देखा। वो उत्सुक नजर से मेरी तरफ देख रही थी।